जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज पीर का दिन है, हफ्ते का आगाज़ हो गया है, हमने पहली राइड से आगाज़ कर दिया है। नाजमाबाद आए हैं हम राइड लेके, और अभी जो है दूसरी राइड के इंतज़ार में खड़े हैं। और दो दिन वीडियो नहीं बना सका, एक तो दुख हो रहा था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पहले से बचत नहीं थी, अब पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है बिल्कुल ही जो है हमारा जो है काम काज उन्होंने ठप कर दिया है। बाइकिया के रेट बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, वही रेट हैं। मैं सजेस्ट कर रहा था लोगों को कि आप लोग बाइकिया चलाएं, लेकिन आप जो है ना शायद वो लोग इस बात पर पछता रहे हो कि हम क्यों बात मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल चलाएं बाइकिया। आप जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो है मेरा रेफरल नंबर आप लाजमी डालें, रेफरल नंबर आपसे मांगेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन करानी है और बाइक ऐप डाउन जो है ना आपने उस पर सवारी ढूंढनी है। सवारी ढूंढना बिल्कुल आसान है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप ओके करेंगे, ऑन करेंगे इसको, तो आपकी लोकेशन वाजे रहेगी उसके अंदर, और जो सवारी आएगी जहाँ की जानी होगी उसको वहाँ की जो है ना लोकेशन भी आएगी और वहाँ का एरिया भी आ जाएगा कि इसको कहाँ से कहाँ जाना है। तो इस तरह जो है वो आपके एरिया में जिसमें आप जिस तरफ आपका जाना हो रहा है आप उस तरफ की राइड जो है ना ओके करें, क्लिक करें, ऑफ़र करना है तो ऑफ़र करें, अगर रेट महसूस हो रहा है कि सही है इसी में चला जाऊं तो आप उसी को ओके कर दें, इंशाल्लाह वो राइड आपको मिलेगी और आप जो है अपने मंजिल की तरफ जाएंगे और जो आपका पेट्रोल का खर्च है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो ये मैं भी सजेस्ट करूँगा जो फैक्ट्री आ रहे जा रहे हैं, जॉब पर आ रहे जा रहे हैं, वो लाजमी जो है इस चीज़ को अप्लाई करें। और बाकी तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है, प्ले स्टोर से आपने बाइक या पार्टनर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना मोबाइल नंबर दें, NIC नंबर दें, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो मांगेगा, फ्रंट बैक की, और लाइसेंस मांगेगा। लाइसेंस अगर आपके पास है तो दे दें फ़ोटो, अगर नहीं है तो आप शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो खींच के उसकी जगह वही फिक्स कर दें, वो आपकी एप्लीकेशन ओके हो जाएगी। एक रेफरल नंबर मांगेगा आपसे कि कोई ऐसा बाइक चलाने वाला जिसको आप जिसकी वजह रेफर से आप जा रहे हैं, तो ये इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर आएगा वीडियो में, तो आप वो मेरा नंबर आप लोड कर दें तो आपका जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप राइड लेने के जो है ना मजाज होंगे, आपको राइड मिलेगी, आपकी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी और उसका प्रोसेस होगा तकरीबन 24 घंटे का 48 घंटे का, वो वेरिफिकेशन करने के बाद उसमें मोटरसाइकिल भी जो है ना उसकी फ़ोटो खींचने वो भी मांगेंगे शायद आपसे, बस जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, उसके बाद जो है आप बाइक का पार्टनर बन जाएंगे और इस तरह आपको राइड मिलना शुरू हो जाएगी। अभी हम यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं, आधा घंटा हो गया है अभी, हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे एक और राइड ले लें, फिर मैं घर की तरफ जाऊँगा क्योंकि मुझे दोबारा ड्यूटी पर भी जाना है 3 बजे। तो अभी एक खातून थी जो बेचारी मरीज़ हैं डायलिसिस की, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ्राइडे को भी कि मुझे लेना है, लेके जाना है आपने, तो मैं उनको लेकर आया हूँ इधर अस्पताल में, वहाँ मैंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने मुझे चार्जेस दे दिए अपने, और अब जो है मैं राइड ढूंढ रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन ऑन कर ली है, अब मैं कोशिश करूँगा मैं घर की तरफ चले जाऊँ और थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जो है मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा तो मैं राइड दोबारा से क्लिक करूँगा। अभी मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, यहाँ पर काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हुआ है तो राइड नहीं मिली है, तो अभी मैं आगे जाऊँगा। हम सवारी एक और लेकर आए हैं सिविक सेंटर के पास, सिविक सेंटर ऑनलाइन सवारी थी हमारी। अच्छा, इन सवारियों के साथ, ऑनलाइन सवारियों के साथ एक मसला और भी होता है कि ये लोकेशन डाल देते हैं पीछे उतरने की, और जो है ना जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं नहीं हमने आगे जाना है, और इस चक्कर में ये हमें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे भी ले आते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे फ्यूल तो ज़ाया हो जाता है, लेकिन फिर रेट ये वही देते हैं कि नहीं यार बाइक ने ये रेट दिए हैं तो हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, तो हम इससे कहते हैं कि यार आपकी मंजिल पीछे थी और आप आगे आ गए हैं, तो मगर ये मना कर देते हैं कि नहीं, तो इस तरह जो है ये हमें और नुकसान में डाल देते हैं। जो पेट्रोल महंगा हो रहा है वो तो अलग चीज़ है, जो इस तरह हमारे साथ सवारी इस तरह कर रही हैं वो भी एक जो है ना जुल्म की बात है। काफ़ी सारे तो ऐसे नहीं करते हैं, टोटली ऐसे नहीं करते हैं, काफ़ी सारों की मंजिल जो है बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसी मंजिल पर जा कर रुकते हैं जहाँ उन्होंने दी हुई होती है जो लोकेशन, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की जो है बेईमानी भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे जाएंगे, आगे से एक और सवारी लेंगे, जाना तो घर की तरफ था लेकिन अभी जो है हम बहुत दूर आ गए हैं घर की तरफ से, तो सवारी लेकर अब हम घर की तरफ जाएंगे क्योंकि अभी हमें ड्यूटी की तैयारी भी करनी पड़ेगी और घर पहुँच कर, तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, रेफरल नंबर मैं दे दूँगा, और जो है ये कुछ बातें जो है मुश्किल जो है मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो मुश्किल आएँगी वो मैं आपको साथ साथ बताते रहूँगा, लेकिन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो है आगे सवारियाँ सर्व करें।
ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।